सावली रोड टू एक्सप्लोर एन ऑथेंटिक चूल्हा सेव उसल प्लेस। मैंने वडोदरा के पहले वाले वीडियो में एक बार सेव उसल ट्राई करी थी पर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था, बट ओवर टाइम आई हैव फाउंड दिस प्लेस विच हैज जस्ट चेंज माई माइंड अबाउट सेव उसल। यहाँ पे गुजराती थाली भी मिलती है और खास बात ये है कि इस जगह का कोई नाम वगैरह नहीं है, इसलिए मैं एग्जैक्ट लोकेशन दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ए, सीधी खड़ी रहे, झूलता मीनारा क्या कर रही है। बट यहाँ पे जो खाना मिलता है उसकी वजह से जो इस जगह की पॉपुलैरिटी है लोकल लोगों में, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो चल के यहाँ का ऑथेंटिक सेव उसल ट्राई करते हैं, और यहाँ पे गुजराती थाली भी मिलती है तो उसके बारे में भी हम पूछते हैं, ओनर से बात करते हैं, और लेट्स जस्ट एंजॉय आवर सेव उसल। अच्छा, वी हैव गॉट सेव उसल, हमारे पास पाव भी है, आपको पाव नहीं चाहिए तो आप रोटी भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा सेव है, प्याज है थोड़ा, ये रसा है, और ये तरी है, अगर आपको तीखा करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, और ये थोड़ा मसाला है अगर आपको चाहिए हो तो। तरी डाल के पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है। हाँ, ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। Two hours later. रसा गर्मा गर्म है और इसकी वजह से बहुत स्पाइसी फ्लेवर आ रहा है, और रसा भी एकदम पतला नहीं है, एकदम पानी जैसा नहीं है, इसमें भी कंसिस्टेंसी इसकी भी अच्छी है, काफी रसा की कंसिस्टेंसी भी अच्छी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वैसे बोलते हैं कि गुजराती फूड बहुत मीठा मीठा होता है, बट आपको यहाँ की सेव उसल ट्राई करनी चाहिए तो आपको पता चलेगा कि गुजराती फूड कितना स्पाइसी भी हो सकता है। अरे कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात। गुजराती फूड में मीठे के सिवाय भी कितने फ्लेवर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
ये हमने ले ली है एक सेव करी, आपने मेकिंग तो देख ही लिया होगा तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि ये सेव उस तरह से कैसा डिफरेंट है। तो लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट और देखते हैं इसमें किस टाइप के फ्लेवर है। तो इसमें नींबू ज्यादा है इसलिए थोड़ा खट्टा फ्लेवर आ रहा है, पर आप इसको अपने हाथ अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा अनियन भी है, तरी डाली है, मसाला डाला है, इसमें बहुत से लोग चीज वगैरह भी डालते हैं, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। सो दिस इज अ ग्रेट थिंग टू हैव अलोंग विद सेव उत्सल, कम हियर एंड ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। सो वी आर एंडिंग टूडेज वीडियो विद सम छाछ। अगर आप गुजरात आए और अपने लंच के साथ खाने के साथ छाछ नहीं तो आप खास गुजरात आए। अगर आप यहाँ पर आए तो यू शुड ट्राई छाछ एट द एंड ऑफ योर लंच। ये लोग सारे छाछ का नशा कर रहे हैं यार। बिकॉज छाछ इज लाइक चेरी ऑन द केक, एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट छाछ। सो हैव सम छाछ एंड हैव अ ग्रेट टाइम व्हेन यू कम हियर इन गुजरात। गाइस, सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। यहाँ पे मजा ही आ गया एंड छाछ वॉज लाइक चेरी ऑन द केक। So you must come here if you are a Sev Utsal lover. मैं location वगैरह exact prices, price was something 30-40 rupees only for the whole lunch. So काफ़ी affordable. और बाकी की details आपको description में मिल जाएगी। और subscribe नहीं किया तो subscribe कर देना और video को like कर देना। मिलते हैं next video में, तब तक खाओ पियो और खुश रहो। Vlog today. पहला तो मैं ओली बाजू लगी रहा था। ओके, नजीक लाओ थोड़ा आम। બોલા ભાઈ થોડું ઇમોશનલ થઈને બોલ્યા હોત ને તો વાયરલ થઈ જાત નહીં બોલ્યા જ નહીં કઈ બિફોર મિક્સર વોઝ ઇન્વેન્ટેડ પીપલ બિફોર મિક્સર વોઝ ઇન્વેન્ટેડ क्योंकि हमारा थोड़ा ड्राई स्टेट पड़ जाता है, हम लोग छाछ के नशे से खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं। बिकॉज यू शुड ट्राई छाछ विथ योर लंच। अगर आपको क्या बोलते हैं बहुत सारा जगह आप अगर यहाँ पर आए तो आपको लंच के साथ छाछ ट्राई करनी चाहिए। छाछ इज लाइक चेरी ऑन द केक अगर बोले तो। सो आपका लंच नहीं बाय बाय टाटा गुड बाय गया।